गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं स्पेशली 11th 22 का जो 21 से 23 के हैं, लेक्चर नंबर 8 बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर वेट, न्यूमेरिकल रिलेटेड विथ मॉलिक्यूलर वेट, यानी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट देंगे जो मॉलिक्यूलर वेट किस तरह से रिलेटेड है न्यूमेरिकल से। इससे पहले एटॉमिसिटी एक्सप्लेन कर दिए पिछले क्लास। तो टाइप फर्स्ट डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिसिटी रूल, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूलर वेट। क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सीओ एक्स इज 44। यानी ये जो सीओ एक्स है उसका मॉलिक्यूलर वेट दे दिया गया और हमसे पूछा जा रहा है एक्स का वैल्यू बताइए जो क्या होगा। तो पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं, मेरे पास स्पेस कम है। ठीक, चलिए समझिए बात को। देखिए, कोई भी थ्योरी जो है सभी को समझने में अच्छा लगता है और सब समझ भी जाता है, लेकिन यदि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल बन जाना चाहिए। यदि न्यूमेरिकल बन जाता है तो समझिए जो आप पढ़ाई समझ गए, नहीं बनता है तो उस पढ़ाई का कोई मायने नहीं है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सीओ एक्स, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सीओ एक्स, तो कार्बन का 2L प्लस 16 × x, यानी 12 प्लस 16x। यदि मॉलिक्यूलर वेट है तो कह देंगे ये ग्राम पर मोल है। तो ये जो मॉलिक्यूलर वेट मिला इसको आप क्या बोलिएगा, गिवन या कैलकुलेटेड? तो ये तो कैलकुलेट किए, तो हम कह दें जो ये क्या है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट। अगेन क्वेश्चन में दिया हुआ है जो इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सीओ एक्स इज इतना, तो बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा, यही ना। तो चलिए देख लीजिए। तो यदि हम गिवन मॉलिक्यूलर वेट कहेंगे ऑफ सीओ एक्स तो आ जाएगा 44। अब ये मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड हो गया और ये गिवन और रूल के अनुसार दोनों मॉलिक्यूलर वेट है तो दोनों तो बराबर होगा। तो हम कह दें जो रूल के हिसाब से कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट हो गया हम लोगों को 12 प्लस 16x और गिवन मॉलिक्यूलर वेट हो गया 44, तो 16x = 44 - 12, इसीलिए 16x = 32, यानी x = 32/16, 2 times में कैंसिल, देयरफॉर x = 2, यानी हम क्या कह सकते हैं, CO2 कह सकते हैं। ठीक, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कीजिए। अगेन HW दे देते हैं, उस HW को बनाइएगा। तो ये आपका HW रहा। अब HW जो है आंसर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2C2O4 × x H2O इतना। तो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर वेट H2C2O4 × x H2O को काउंट कर लें तो कितना, 1 × 2 + 2 × 2L + 4 × 16 + x × 2 × 1 + x × 16। अब ये मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करते समय आपको क्लियर कर दिए थे, तो यहां से यहां तक 90 और फिर यहां से यहां तक 18x।
दिया हुआ है 126, गिवन मॉलिक्यूलर वेट जो है वे है 126। अब हम 90 + 18x और 126, तो 18x बराबर 126 - 90, 18x बराबर 36, तो therefore x बराबर 36/18, यानी 2 times में कैंसिल, तो कह सकते हैं H2C2O4 × 2H2O। अब ध्यान दीजिए, एक टेक्निक समझाते हैं। H2C2O4 × यहाँ पे 2H2O आया ना, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, ध्यान दीजिए, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो यहाँ जो x का वैल्यू है वे हमेशा 2 ही रहेगा, समझ गए। तो ऑब्जेक्टिव यदि क्वेश्चन हो तो बनाने का जरूरत नहीं है आज के बाद, यानी डायरेक्ट हम कह देंगे जो यहाँ पे 2 होगा। तो इसी तरह से कुछ इनऑर्गेनिक का फार्मूला मिलेगा, उस फार्मूला में यहाँ वाटर का जो वैल्यू है, जो कितने मोल प्रेजेंट है, वे फिक्स है। तो सवाल में कुछ भी दिया हुआ रहे, ये आंसर हम लोग ऑब्जेक्टिव में टिक कर देंगे, समझ गए बात को। वीडियो को पॉज कीजिए, इस पर HW दे देते हैं। तो ये आपका HW रहा, अगेन वही टिप्स, पढ़ाई का एक यूनिक टिप, दुनिया में ऐसा टिप आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है। इसका आंसर आपको खुद क्या करना है, भेजना है बना करके, और वे भी एक्सप्लेनेशन के साथ। नंबर जानते ही हैं, 9999522888 पे व्हाट्सएप करना है, समझ गए बात को। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, बनाइए। तो टाइप टू बात करें, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज बाय वेट ऑफ एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में पार्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज बाय वेट के टर्म में निकालना है। तो परसेंटेज बाय वेट ऑफ एलिमेंट यदि कहा जाए, तो वेट ऑफ एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल, जिस एलिमेंट के बारे में कहा जाए, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट I/100। जब भी परसेंटेज कहा जाता है तो हम लोग 100 से तो मल्टीप्लाई करते ही हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन इन यूरिया। तो यूरिया का फार्मूला ये होता है, तो अब हम कहेंगे यहां पे हमको निकालना है किसका, परसेंटेज बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो हम क्या कहेंगे, वेट ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान दीजिए, वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और इनटू 100, ठीक है। तो वेट ऑफ हाइड्रोजन जो है वे कितना, देखिए यहां पे, तो 2 × 2 = 4, समझ रहे हैं ना बात को। ये यहां पे हाइड्रोजन जो है 2 ग्राम और ये 2 ग्राम, तो 4 ग्राम हो गया। तो 4 / मॉलिक्यूलर वेट, तो ये जो सम करेंगे मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का निकाल सकते हैं ना, देखिए मॉलिक्यूलर वेट NH2CO NH2 का बात करें तो 40 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2 सम करने के बाद कितना आ जाएगा, 60। तो यहां 60 दे दीजिए, I/100। अब सॉल्यूशन कीजिए तो 40/6 यानी 6.66% बाय वेट हो गया, समझ गए बात को। अब इसी बात को हम दूसरे मेथड से बनाते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। देखिए इसी को हम सेकंड मेथड बात करते हैं, समझ करके। तो सेकंड मेथड में सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर वेट जिसका कहा जाए, जैसा कि यहां पे यूरिया है तो यूरिया का निकाल लीजिए। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए 40 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2 यानी सम करने के बाद 60 आएगा। अब 60 में हाइड्रोजन के कारण जो वेट है वे देख लेना पड़ेगा, तो कितना वेट है, 4। तो कहेंगे 60 ग्राम यूरिया कंटेन 4 ग्राम नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन, 4 ग्राम
हाइड्रोजन। तो देयरफॉर कितना में आप बात कर लीजिएगा, 100 में। क्यों 100 में बात करेंगे, क्योंकि जब भी परसेंटेज का बात करना हो तो 100 पार्ट से कंपेयर किया जाएगा। अब ये जो है 40/6 यानी 6.66% आ गया, ठीक है। तो अगेन हम इस पर HW देते हैं, फिर नोट कीजिए। तो देखें अगेन ये सवाल आपको सॉल्व करना है, खुद आंसर भी दिया हुआ है, यदि प्रॉब्लम हो तो अगेन व्हाट्सएप करना है, ठीक है, ओके। चलिए फिर देखिए सवाल क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ वाटर, यानी सवाल किसका परसेंटेज पूछ दिया गया, वाटर का। तो परसेंटेज बाय वेट ऑफ वाटर यदि हमसे कहा जाए तो हम कहेंगे वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट और इनटू 100। तो वेट ऑफ वाटर देखिए इसमें कितना, 10 × 18 180, H2O का वेट होता है 18 और ये 10 से मल्टीप्लाई है, तो सिर्फ वाटर का वेट जो है इसमें 180 है और इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़िए, तो जोड़िए लेते हैं, अलग से दिखा देते हैं आप लोगों को, मॉलिक्यूलर वेट Na2CO3 into 10H2O है ना। तो देखिए सोडियम का 23 into 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 into 3 प्लस, यहीं पे देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, H2O का हम जानते हैं ना 18, तो 10 into 18 कर दीजिएगा, जोड़ जा करके 286 हो जाएगा और into 100। अब इतना को सॉल्यूशन कर लीजिए, सॉल्यूशन करने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा, अब वैल्यू आएगा 62.93%। इतना को सॉल्यूशन करने के बाद 62.93%, क्लियर है बात। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, HW देते हैं। तो अगेन ये HW रहा, ये आपको आंसर दिया हुआ नहीं है, खुद आप लोगों को बना करके व्हाट्सएप करना है, इससे दो बात पता चलता है हमको, जो कितना बच्चा पढ़ने वाले हैं, दूसरा यदि आप नहीं भी पढ़ने वाले हैं तो चिंता करने की बात नहीं है, प्रयास कीजिए, पढ़ने का कोशिश कीजिए। चलिए देखिए सबसे जो आपको टाइप, जो जितने भी टाइप बता रहे हैं उसमें सबसे ये इम्पोर्टेंस है और ठीक से समझिए, कैलकुलेशन ऑफ होगा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का कम से कम वेट कितना होगा, इसका कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इंसुलिन, मत पूछ लीजिएगा जो सर इंसुलिन का फार्मूला क्या होगा, इंसुलिन किस तरह का कंपाउंड है, ABCD XYZ समझिए ये कोई कंपाउंड है। If it contain 8% सल्फर बाय वेट, ये जो इंसुलिन है उसमें 8% क्या है, सल्फर है, तो बताइए जो इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ठीक है, देखते रहिए ठीक से। तो सिंस 8 ग्राम सल्फर देन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 100 ग्राम, समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहां परसेंटेज का बात है और परसेंटेज जब भी बात किया जाए तो 100 से कंपेयर करेंगे, तो देयरफॉर सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, तो 32 यानी मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड करने के लिए उसके एटॉमिक वेट से कंपेयर कर रहे हैं। सपोज कीजिए यहां सल्फर ना हो करके हम मैग्नीशियम ले लेते, Mg ले लेते, तो यहां कितना वेट लेते, 24। यहां सल्फर ना लेकर के आयरन लेते तो कितना वेट लेते, तो यहां पे 56, क्लियर है बात, यानी एटॉमिक वेट से कंपेयर करेंगे, 100
by 8 into 32, 4 times may cancel, 400 gram per mole. क्लियर है बात? तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर SW देते हैं. तो ये आपका SW रहा, ये बनाना है, नहीं बने तो WhatsApp करना है, ठीक? पॉज कीजिए, नोट कीजिए. तो चलें अब ये नेक्स्ट सवाल देखें. इफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2CX है O4, इफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया गया है. इफ इट कंटेन 3.2% बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना है. सवाल बदल गया बाबू. आपको कहे थे ना जो भी परेशानी है हम लोगों को टाइप में, इसी केस में मॉलिक्यूलर वेट में. तो ध्यान दीजिए, यदि इस तरह का फार्मूला दे दिया गया हो, यदि फार्मूला दे दिया गया हो और पता करना हो मॉलिक्यूलर वेट, तो देखिए यहाँ पे किसका परसेंटेज बाय वेट है, ऑक्सीजन का. तो हम कहेंगे जो 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जब 3.2 ग्राम ऑक्सीजन है तो उस समय हम 100 ग्राम H2CXO4 लेंगे. तो therefore कितने से आप कंपेयर करेंगे, तो देखिए ऑक्सीजन यहां कितना है, 64 हो जाएगा ना. और इससे पहले क्या था, कुछ फार्मूला पता ही नहीं था, तो उस समय हम उसके एटॉमिक वेट से कंपेयर कर रहे थे. लेकिन जब फार्मूला पता हो तो उस समय जो भी हो उसका वेट ले लेंगे. सपोज कीजिए हाइड्रोजन से रहता तो कितना लेते आप, 2 ग्राम, लेकिन कार्बन से नहीं. क्यों? क्योंकि कार्बन में तो एक्स लगा हुआ है. तो इस तरह से 100 by 3.2 × 64, समझ गए ना. तो अब आपको सॉल्यूशन कीजिएगा. अब सॉल्यूशन करने के बाद ये जो वैल्यू आ जाएगा, ये कितना, 2 times में, यानी 2000 ग्राम पर मोल. क्लियर हो गया बात, ठीक है. तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, तब तक हम एक बच्चा का सवाल ले लेते हैं. चलिए अब ये देख लीजिए, ये आपका HW रहा, समझ गए. ये HW थोड़ा इम्पोर्टेंस है. अभी तक आपको जितना भी HW दिए उसमें कुछ हम समझाते नहीं थे, लेकिन इसमें समझा दे रहे हैं. उसके बाद आप बना करके WhatsApp कीजिएगा. ए कंपाउंड KBRO(X) है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ X इफ इट कंटेन इतना परसेंट ब्रोमीन. इतना परसेंट क्या है, ब्रोमीन है. तो जब इतना परसेंट ब्रोमीन है और यहां तो ब्रोमीन 1 ही है, तो हम पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे. और यदि मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. क्लियर है, ठीक. चलिए नेक्स्ट टाइप, एक टाइप और ले लेते हैं. चलिए अब देखिए नेक्स्ट टाइप, कैलकुलेट द वेट ऑफ एलिमेंट इन गिवन वेट ऑफ मॉलिक्यूल. एक दिया गया वेट में एलिमेंट का वेट निकालना है. What is the weight of oxygen in इतना 0.11 kg of CO2? तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 निकाल लीजिए. तो कार्बन का वेट कितना, 12, ऑक्सीजन का 16 × 2, यानी जोड़ जाड़ करके कितना हो गया, तो 44 ग्राम पर मोल. क्लियर है. अब यहां तो दिया हुआ है केजी, इसको हम किस में बदल लेंगे, तो ग्राम में 1 kg = हम क्या जानते हैं, 1000 ग्राम. तो देयरफॉर 0.11 kg, तो इतना ग्राम बाय 1 kg और 0.11 kg,
ये केजी केजी कैंसिल हो गया, अब एलेवहान इतना ग्राम पर मोल, ठीक है, ये सॉरी इतना ग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब जो है सो हमको तो वेट निकालना है, तो हम कहेंगे जो 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन, 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन, कितने ग्राम इसमें ऑक्सीजन है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो देयर फोर कितने ग्राम का बात करेंगे, तो 110, यानी यहां गलत हो गया बाबू, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, ठीक ना, और यहां भी गलत हुआ है, ठीक से, तो इस तरह से ये 110 से कंपेयर करें तो 32/44 इतना, अब कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में, यहाँ 10 बचा और ये 8 यानी 80 ग्राम, क्लियर हो गया, तो ये 4 टाइप का सवाल हम लोग क्लियर कर लिए। अब जो है अगले रोज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट बात करेंगे, मोल एंड ग्राम मॉलिक्यूल, तो आपने मेरे वीडियो को वॉच किया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।